जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। निश्चित सफलता हेतु आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें वो हमारे चैनल को लाइक करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 15 अप्रैल 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। निश्चित सफलता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। तो चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में सुरेंद्र कुमार को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में सुरेंद्र कुमार को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं किस राज्य का लोकायुक्त सुरेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सुरेंद्र कुमार को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, लोकायुक्त किसका नियुक्त किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं लोकायुक्त कौन है, सुरेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। लोकसभा की सीटें कितनी यहाँ हैं, तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 हैं, विधानसभा की सीटें हैं 404 और विधान परिषद की सीटें यहाँ पर हैं 100। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा है, तो यहाँ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर है एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो यहाँ पे चल रही हैं, कौन सी योजना है, बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है, नवीन रोजगार क्षेत्रीय योजना भी यहाँ शुरू की गई है, काला नमक चावल महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है, मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। तो दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर आप बताएं कौन सा ही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कमजोर वर्ग कौन से हैं, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कितना रुपया किया है, तो 5,476 करोड़ रुपये की पैकेज की घोषणा की है, जो COVID-19 के प्रकोप से बाहर निकलने के लिए किया गया है। इसके लिए है, तो COVID-19 प्रकोप से बाहर निकलने के लिए किया गया है। जो भी कामगार या मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं जिन्होंने COVID-19 के समय में उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, उनके भरण पोषण के लिए ये पैकेज लॉन्च किया गया है या घोषणा की गई है इस पैकेज की। तो देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 में इसका गठन हुआ था। राजधानी क्या है, तो राजधानी मुंबई है, शीतकालीन राजधानी नागपुर है इसकी, जिले यहाँ पर 36 हैं, राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, उप मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं, विधान परिषद की सीटें 78 हैं और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 288 सीटें हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है। तो देख लेते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है, आप लोग बताएं, रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, भुवनेश्वर कुमार ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। किसने जीता है, तो भुवनेश्वर कुमार ने जीता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 के लिए कौन सा शहर मेजबान होगा। क्या है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 के लिए कौन सा शहर मेजबान होगा, दिल्ली, लंदन, पेरिस या सेविल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सेविल। सेविल जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 के लिए मेजबान शहर होगा, कौन सा होगा, मेजबान शहर होगा। तो ये लॉरियस जो है, ये लॉरियस है, वो सेविल जो है, सेविल ये तो कहाँ का ये राज्य है, तो किस कहाँ का राज्य है आप लोग ये बताएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, तो ये है स्पेन का एक शहर है। ठीक है, कहाँ का है, ये स्पेन का एक शहर है। ठीक है, ये स्पेन का शहर है। ओके, तो इसमें हमारा कौन सा शहर हो जाएगा, तो इसमें हमने देख लिया कि हमारा इसमें शहर हो जाएगा सेविल। सेविल जो है कहाँ का है ये, तो ये स्पेन का एक राज्य है। ठीक है, स्पेन का एक शहर है, स्पेन का एक ये शहर है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
रायसीना डायलॉग 2021 में भारत में किस देश के प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं, तो रायसीना संवाद की यह छठी बैठक थी। तो कहाँ किसके राज्य सम्मिलित हुए हैं, किस देश के प्रधानमंत्री, तो ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। किसमें? रायसीना डायलॉग 2021 में भारत के किस देश के प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं, तो ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। यह बैठक कौन सी थी बैठक? तो ये छठी बैठक थी। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता जो है किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, किसने की है? नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य को भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली है? तो इसमें कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य को भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली है। ठीक है, रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली है। तो देखते हैं इसके बारे में, तो देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ था, राजधानी मुंबई, शीतकालीन नागपुर, जिले 36 हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। यहाँ की विधान परिषद की सीटें 78 हैं और यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने दास्तान ए अवध, तजदारे अवध, हर बहार ए अवध, ओब दोबता अवध एंड दास्तान ए लुबैन एप अपना लखनऊ जैसी किताबें लिखी हैं, वो कौन हैं? तो प्रवीण सिंह है, हरभजन सिंह है, योगेंद्र प्रवीण है, आशीष शर्मा हैं। तो कौन है? तो ये हैं योगेश प्रवीण जो हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने ये महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी, जो अवध के ऊपर महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस बीमारी को साइलेंट डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? तो एचआईवी है, रेबीज है, अमेरिकी टिप्नोमियासिस है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है, अमेरिकी टिप्नोसाइंसिस। ये कौन सा है? तो ये साइलेंट डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सी बीमारी है? ये साइलेंट डिजीज के बीमारी के नाम से भी जानी जाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूजीलैंड के किस स्टार क्रिकेटर ने हाल ही में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? केन विलियमसन, डेनियल विटोरी, बॉन्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा केन विलियम्स को, जो स्टार क्रिकेटर हैं न्यूजीलैंड के, सर रिचर्ड हेडली, इनको सम्मानित किया गया किस पदक से? तो सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया किसको? तो केन विलियम्स को। ठीक है, केन विलियम्स को सम्मानित किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के का पदभार किसने संभाला है? तो देख लेते हैं किसने संभाला है। सिद्धार्थ सिंह, राजाचारी, सुशील चंद्रा, भरत पन्नू। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में देखते हैं, इनके बारे में सभी चारों के बारे में देख लेते हैं। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल, जिन्होंने सबसे तेज साइकिलिंग में एकल साइकिलिंग के लिए दोबारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किया है, तो कौन है? भरत पन्नू जी हैं। भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र जी को नियुक्त किया गया है। नासा के आर्टिमिस कार्यक्रम के तहत भारतीय मूल के यह निवासी हैं, इन्हें शामिल किया गया है, तो कौन है? राजाचारी जी हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुरातत्व विभाग द्वारा खोए हुए गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर को कहाँ खोजा गया है? तो सूडान, मिस्र, नाइजर, या इसराइल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, मिस्र में जो है पुरातत्व विभाग द्वारा खोए हुए गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर को खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? तो ये मिस्र में खोजा गया है। ठीक है, मिस्र में खोजा गया इसे है। तो देख लेते हैं, गोल्डन सिटी ऑफ लक्सर को खोज मिस्र के पुरातत्वविदों ने 34 साल पुरानी शहर का निर्माण अमरहोटेप के द्वारा किया गया था। इसमें से विधर्मी बेटे अचनातेन द्वारा त्याग किया गया था। इसमें आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने किस संस्थान ने खाद्य उत्पादन और विपणन श्रृंखला में मनुष्य को जूनेटिक रोगजनकों के संचरण के जोखिम को कम करने के लिए सरकारों के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? UNDP, UNEP, या UNDNO या FAO।
तो इसमें से हमारा UNEP सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? UNEP सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में, तो इन सभी के बारे में हम अभी देख लेते हैं। UNEP के जो अध्यक्ष हैं एंगर एडर्सन हैं। यहाँ की इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या में है, ठीक है। UNDP की स्थापना 22 नवंबर 1965, मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, अध्यक्ष अचिम स्टेनर हैं। UNIDP के स्थापना 17 नवंबर 1966, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया, और उसके हेड हैं ली यंग, ठीक है। कौन है? ली यंग हैं। PAO तो FAO है, थोड़ा गलत हो गया है, PAO हो गया, FAO है। 16 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय रोम इटली है। अध्यक्ष हैं टू डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के PM ने जलियांवाला बाग त्रासदी के वर्ष की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें सैकड़ों निर्दोष भारतीयों की जान ली गई थी। तो इसमें कितने भारतीयों की जान गई थी? तो इसमें से भारतीय इसमें 102 भारतीयों की जान इसमें चली गई थी, निर्दोष भारतीयों की जान चली गई थी इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, भारत के प्रधानमंत्री ने सैकड़ों निर्दोष भारतीयों की जान लेने वाले जलियांवाला बाग त्रासदी में 102 साल पूरे होने पर याद किया है। हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर जलियांवाला बाग नरसंहार त्रासदी को चिन्हित करने के लिए एक प्रदर्शनी जलियांवाला बाग उद्घाटन किया गया था। प्रमुख बिंदु तत्कालीन जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। त्रासदी जिसे अमृतसर के नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन राइनो विजन 2020 कार्यक्रम हाल ही में असम के नेशनल पार्क में दो गैंडों के अनुवाद के साथ बंद हुआ है। तो मानस है, औरंग है, काजीरंगा है या संजय गांधी है? तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा मानस। मानस जो है, मानस में यह हम इनको संरक्षण के लिए रखा गया है। हमारा लक्ष्य कितना था? तो 3000 राइनो का लक्ष्य था, ठीक है। उसमें से 2600 राइनो जो हैं, 2600 राइनो है वो काजीरंगा में ही अभी हैं, ठीक है। तो ये दो कहाँ इनका जो ये अनुवाद हुआ है? तो ये मानस में हुआ है, ठीक है, मानस में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं असम के बारे में। असम के राजधानी है दिसपुर। मुख्य राज्यपाल हैं जगदीप मुखी। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की सीटें 126 हैं। यह का राष्ट्रीय उद्यान है? तो डिब्रूगढ़, साईखोबा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। चलते हैं देख लेते हैं इसके बारे में। तो राइनो, इंडियन राइनो 2020 में 2005 में लॉन्च किया गया था। राइनो विजन 2020 वर्ष 2020 से भारतीय राज्य में असम में 7 संरक्षित क्षेत्रों में फैले हुए 3000 से अधिक एक सिंह वाले गेंडे जंगली आबादी को प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रयास था। 7 संरक्षित काजीरंगा, पोबितोरा, औरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लाखोबा वन्य जीव अभयारण्य, बुरा चौरी वन्य जीव अभयारण्य, डिब्रू सिकोबा वन्य जीव अभयारण्य ये शामिल थे इसमें, ठीक है। जंगली अनुवाद RERV 2020 के अनिवार्य हिस्सा में थे। काजीरंगा NP जैसे घनी आबादी वाले पार्कों में चलकर गेंडों को और अधिक गेंडों की जरूरत में मानस NP की तरह शामिल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चगास दिवस एवं तमिल नववर्ष कब मनाया गया? तो इसमें तो 13 अप्रैल है, 14 अप्रैल है, 12 अप्रैल है या 11 अप्रैल है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस और तमिल नववर्ष मनाया गया है। इसी दिन भीमराव अंबेडकर की अंबेडकर जयंती भी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है, ठीक है, संविधान लिखा है। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। तो महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हमारे हो जाएंगे। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को समानता दिवस, जगजीवन राम का जन्मदिवस इस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुदाय के विकास दिवस, नेशनल मेरी टाइम दिवस ये 5 ही अप्रैल को मनाए जाते हैं, 6 अप्रैल को डांडी सत्याग्रह दिवस 1930 में शुरू हुआ था और ग्राम स्वराज दिवस इसी दिन मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, महिला चिकित्सा दिवस इसी दिन मनाया जाता है, 9 अप्रैल पराक्रम दिवस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का इस दिन स्थापना हुआ था, ठीक है, 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और खालसा पंथ स्थापना दिवस मनाया जाता है,
14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। आज है 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को गुरु नानक देव के जन्म दिवस और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आज के दिन ही हिमाचल प्रदेश का दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस भी आज ही के दिन मनाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जय देवी कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।